वेलकम टू इजिएस्ट एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिश बर्डिंग के बारे में। डिश बर्डिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और आप पिक्चर के साथ भी, फोटो के साथ आप देखेंगे ताकि आपको याद रहेगा और आप इसे भूलेंगे नहीं। तो डिश बर्डिंग, टू रिमूव बर्ड्स फ्रॉम ए प्लांट टू प्रमोट वेटर ब्लूम्स फ्रॉम द रिमेनिंग बर्ड्स और कंट्रोल द शेप ऑफ द प्लांट। यानी कहने का मतलब ये है कि डिश बर्डिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि उसके जो है डिश बर्डिंग में, यानी कि प्लांट के अपर पोर्शन यानी कि ब्रांच के टॉप पोर्शन को, जैसे कली हुआ या फिर फूल हुआ, उसको अपने इंस्ट्रूमेंट से कट कर देते हैं ताकि जो है वो ग्रोथ करे और उसमें जो फूल है, फल है, वो अच्छे से डेवलप करे और जो है फल की साइज अच्छी बने रहे। क्योंकि अधिक संख्या में अगर फल होता है तो उसका साइज कमज़ोर हो जाता है, या फिर फूल हो, अगर फूल ही अधिक संख्या में है तो उसकी साइज कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम डिश बर्डिंग कर देते हैं कुछ अनवांटेड फ्रूट एंड फ्लावर को अगर रिमूव कर देते हैं तो वह अच्छी तरीके से डेवलप करता है और उसका साइज, लाइट इत्यादि अच्छे होता है, आकर्षित होता है। तो आपने समझ लिया कि डिश बर्डिंग किसे कहते हैं। डिश बर्डिंग का मतलब होता है कि अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट ब्रांच रिमूव। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख पाया कि डिश बर्डिंग किसे कहते हैं और डिश बर्डिंग क्यों करते हैं और डिश बर्डिंग के क्या फ़ायदे हैं, तो आपने सारी चीज़ जाने। और एक बार फिर से रिवीजन, डिश बर्डिंग यानी कि अपर पोर्शन ऑफ प्लांट को रिमूव करेंगे तो इस प्रक्रिया को डिश बर्डिंग कहेंगे। और डिश बर्डिंग करने के फ़ायदे, डिश बर्डिंग के फ़ायदे ये हैं कि अगर हम अनवांटेड फ्रूट्स एवं फ्लावर को रिमूव कर देते हैं तो बाकी अन्य बचे फूल एवं फल स्वस्थ, चमकदार एवं अच्छी साइज के होते हैं। तो इसलिए हमें डिश बर्डिंग करनी चाहिए। धन्यवाद। ये जीएसट एग्रीकल्चर।